आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे कम उम्र में बाल झड़ने से या सफ़ेद होने से कैसे रोका जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एम इस्लाम और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उम्र के साथ साथ बाल झड़ना या सफ़ेद हो जाना ये एक आम बात है, लेकिन वहीं अगर कम उम्र में बाल झड़ने लगे या सफ़ेद होने लगे तो बेहद एक परेशानी की बात है। तो इसकी वजह क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी अगर आपके पुरखों में किसी का बाल ऐसे झड़ा करता था या सफ़ेद हुआ करता था तो आपकी भी बाल झड़ने की और सफ़ेद होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, यानी आपकी रिस्क फैक्टर जो है वो ज़्यादा होती है। दूसरी वजह है पॉल्यूशन, यानी आप जिस एरिया में रहते हो उस जगह में अगर पॉल्यूशन की मात्रा ज़्यादा हो तो इससे भी आपका कम उम्र में बाल सफ़ेद हो सकता है। तीसरी वजह है स्ट्रेस यानी तनाव, अगर आपका जीवन तनाव से भरा हुआ होता है और आप ज़्यादा चिंतित होते हैं तो इससे भी आपका कम उम्र में बाल झड़ सकता है। चौथी वजह है लाइफस्टाइल। दोस्तों, लाइफस्टाइल का बेहद एक अहम रोल होता है हमारे जीवन में, सिर्फ बालों के लिए नहीं, बल्कि अगर आपको क्वालिटी जीवन जीना है तो आपको लाइफस्टाइल जो है वो सही रखना है। अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब होता है यानी सिडेंटरी होता है, आप बैठे बैठे काम करते हो और किसी भी तरह का शारीरिक कसरत नहीं करते हो तो इससे भी आपका कम उम्र में बाल झड़ सकता है। पाँचवा चीज़ है सही पोषण। अगर आप सही जीवन जीना चाहते हो तो सही पोषण लेना भी ज़रूरी है, खासकर अगर आपका बालों का ध्यान रखना है तो कई ऐसे मिनरल होते हैं जैसे कि जिंक और सिलेनियम। ये सब मिनरल जिस फूड में रहता है उस फूड को अपना डेली रूटीन में शामिल करना है। लेकिन हम लोग गलती कहाँ करते हैं, हम लोग ये सब चीज़ में ध्यान ना देकर दूसरे चीज़ में ज़्यादा ध्यान देते हैं, या कई ऐसे ऐड देखते हैं जिसमें बोला जाता है अगर आप इस तेल को, इस क्रीम को 7 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपका बाल का हर एक समस्या जो है दूर हो जाएगा। तो ये सब फंदी में हम लोग गिर जाते हैं और बाल का और भी ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। इससे आपको बचना है और कई ऐसे तरीका अपनाना है जिससे आपका बाल स्वस्थ रहेगा। इसमें पहला नंबर पर आता है विटामिन सी रिच फूड, यानी जिस फूड में विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, इस फूड को अपना डेली रूटीन में शामिल करना है, क्योंकि विटामिन सी की सबसे बड़ी खासियत यह है ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, जो हमारे पूरे शरीर से टॉक्सिन को रिलीज करता है और डिटॉक्सिफिकेशन करता है, जिससे हमारे फ्री रेडिकल्स घटता है और पूरे शरीर के साथ साथ बाल भी स्वस्थ रखता है। और विटामिन सी की दूसरी जो बड़ी खासियत है, ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, जिसके कारण आप कई गंभीर बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, कई ऐसे गंभीर बीमारी होते हैं जिससे भी आपका बाल झड़ता है और कम उम्र में सफ़ेद हो जाता है, तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन सी रिच फूड ले। दूसरा चीज़ है प्रोटीन। दोस्तों, हमारे शरीर के हर एक अंगों का विकास के लिए प्रोटीन एक बेहद ही ज़रूरी उपादान है। यह हमारे शरीर के हर एक अंगों को अच्छे से विकसित करता है और साथ ही बालों का ग्रोथ को भी मेंटेन करता है। अगर आपको सफ़ेद बालों से छुटकारा पाना है तो अंडे, दूध, मछली, मीट, ये सब आपको डेली रूटीन में शामिल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेना है, इससे आप सफ़ेद बालों से बच सकते हैं। तीसरा चीज़ है जिंक और सिलेनियम रिच फूड। जिंक और सिलेनियम एक ऐसा मिनरल है जो हमारे बालों को काला रखने में मदद करता है। अगर आपको बाल काला रखना है और सफ़ेद होने से रोकना है तो ऐसे फूड लेना है जिसमें जिंक और सिलेनियम की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि होल ग्रेन, रेड मीट, चिकन, मछली और कई तरह का नट्स जैसे काजू और आलमंड। ये सब फूड अगर आप डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आपका बाल काला रहेगा, घना रहेगा और कम उम्र में झड़ेगा भी नहीं और सफ़ेद भी नहीं होगा। दोस्तों, ये सब चीज़ को आपको फॉलो करना है, लाइफस्टाइल को सुधारना है, अच्छे से नींद लेना है, तो ये सब अगर आप करेंगे उम्मीद है आपका बाल कम उम्र में सफ़ेद भी नहीं होगा और झड़ेगा भी नहीं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।